आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में आंगनबाड़ी के बारे में जानकारियां देने वाले हैं। आंगनबाड़ी में भर्तियां जो हैं उसकी लास्ट डेट क्या है उसके बारे में भी डिटेल बताएंगे और प्रूफ भी दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो वीडियो पर बने रहना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो जानकारी देने से पहले आगे आप लोगों को सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कमेंट्स देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आए हुए थे पिछली वीडियो में। जो मॉर्निंग में वीडियो आई थी उन पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे, तो उसी के बारे में जानकारियाँ इसमें मिलेंगी आपको वीडियो के माध्यम से, ठीक है? इसमें काफ़ी लोगों के कमेंट मैंने लिए हुए हैं, बाकी जितने कमेंट्स शेष रह जाएंगे उनको हम अगली वीडियो में आंसर कर देंगे। तो चलिए पहले कमेंट देख लेते हैं, उसके बाद आंगनबाड़ी की फुल जानकारियां आपको मिलेंगी। तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। कमेंट्स देख लेते हैं पहले, उसके बाद जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन इनका है कि मैम जिला बिजनौर में कब होगी ट्रेनिंग, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हम अगर आपको बताएँ तो अभी ट्रेनिंग्स को लेकर के कोई विशेष सूचना नहीं आई है। 15 मई तक वेट कर लीजिए, उसके बाद जो भी होना है होगा, ठीक है? इन्होंने बोला हुआ कि मैं रायबरेली ज़िले से हूँ, ज्वाइनिंग कब तक होगी, पैसा कब आएगा, अभी तक जानकारी नहीं है, बताएं। अच्छा ठीक है, पैसा कब तक आएगा, ठीक है? जब आपका आपका यहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है, आपने समूह का अकाउंट अगर भरा होगा तो पैसा आपका आ जाए। पर वेट कीजिए, आ जाएगा बहुत ही जल्द। और इन्होंने बोला हुआ है कि बदौन डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग नहीं हुई है, क्या करें? तो ठीक है, बदौन में तो काफ़ी पहले से ट्रेनिंग्स चल रही हैं, जनवरी में भी ट्रेनिंग्स चल रही थी, अभी फ़िलहाल का नहीं पता है, अभी तो कोरोना है आपको पता है। 15 मई तक वेट कर लीजिए। इन्होंने बोला हुआ है कि मैं बस्ती ज़िले में है, मैं जिनका ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गया है उनका ज्वाइनिंग कब होगा? ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गया है, ट्रेनिंग के बाद आपका यहाँ पर जो होगी और सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा, बाकी समूह वगैरह में पैसे वगैरह आ जाएंगे, तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है? इन्होंने बोला हुआ है कि कब मिलेगा मैम, इन्होंने दोबारा से कमेंट किया हुआ है कि मैम हमें नहीं मिला, मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। चलिए ठीक है, नहीं मिला है तो मिल जाएगा, पैसे तो सभी को मिलना ही है भाई, जब आप लोगों ने सब कुछ पास कर लिया है, कंप्लीट हो गया है सारा प्रोसेस, तो पैसे तो मिलेंगे ही, थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी कोरोना काल चल रहा है। इन्होंने बोला मैम अभी बस्ती डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग भी बाकी है परशुरामपुर ब्लॉक में, तो कब तक होगी मैम, ठीक है? तो ये बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो इनको अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग्स कहीं पर नहीं होंगी कोरोना की वजह से, नहीं तो ट्रेनिंग्स की डेट तक रख दी गई थी, ठीक है? और 20 अप्रैल से, कहीं 21, कहीं 22 अप्रैल से, तो इस तरह से कहीं 1-2 मई से भी ट्रेनिंग्स स्टार्ट थी, लेकिन फ़िलहाल इसी वजह से ट्रेनिंग्स नहीं हो रही हैं, थोड़ा वेट कीजिए। इन्होंने बोला हुआ है कि मैम डिस्ट्रिक्ट रामपुर में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, कब तक आएंगे, कौन से खाते में आएंगे, क्योंकि BCC की ऐप में सिर्फ पर्सनल खाता भरने के लिए आया था, समूह का नहीं आया था। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो पैसा आ रहा है वो समूह के अकाउंट में आएगा, ना कि पर्सनल अकाउंट में, ठीक है? और आपने शायद देखा नहीं होगा तो समूह का भी अकाउंट उसमें मांग रहा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, तो उसी में आपको समूह का अकाउंट देना था, और समूह के ही अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ना कि पर्सनल अकाउंट में, ठीक है? पर्सनल अकाउंट में आपकी जो सैलरी होगी वो सब आएगी, बाकी ये समूह के खाते में पैसे जो आ रहे हैं 75,000, वो समूह के ही खाते में आ रहे हैं, आपके अपने खाते में नहीं। इन्होंने बोला हुआ है कि कन्नौज में ज्वाइनिंग कब होगी, तो देखिए अभी थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? ज्वाइनिंग के लिए थैंक्स। कौन सा अकाउंट में पैसा आ रहा है, समूह के अकाउंट में, ठीक है? मालूम कैसे पड़ेगा कि पैसे आए हैं या नहीं आए, ब्लॉक से बताया जाएगा। तो अरे देखिए, पैसे जब आ जाएंगे, आपने अगर समूह का अकाउंट दिया है, ठीक है, और पैसे आ जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, मैसेज वगैरह तो आते हैं उसी से पता चल जाएगा, कोई आपको यहाँ पर ब्लॉक वाले नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमेशा पता करते रहिए, बीच बीच में पैसे आ जाएंगे। बरेली में कब मिलेगा, अच्छा तो वेट कीजिए थोड़ा, अभी कोरोना चल रहा है, 15 मई तक वेट कर लीजिए, उसके बाद अच्छे तरीके से कोरोना के बाद जो है प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। इन्होंने बोला हुआ है कि जी मैम अपने मोबाइल से करना चाहती हूँ ऐप,
आप वीडियो बना दीजिए। अच्छा, तो इन्होंने काफ़ी पहले ये वीडियो बनी हुई थी, करीब 2-3 महीने हो चुके होंगे वीडियो बने, तो इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बोला हुआ है। तो चलिए ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि कब मिलेगा, और इन्होंने बोला कि मेरी ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि मैडम जी, बीसी सखी ऐप में अकाउंट ऐड करने में गलती हो गई, क्या करें, अकाउंट ऐड करने में गलती हो गई क्या करें। तो देखिए, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया गया था, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकती हैं BMM के पास। मेरे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन फ़िलहाल नहीं है किसी के पास, ठीक है, क्योंकि पहले बताया गया था कि कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किए जाएंगे, ठीक है, कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको सही सही भरना था लेकिन गलत हो गया, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इन्होंने बोला हुआ है कि नहीं मिला, ट्रेनिंग हो गई है पर ना तो 75,000 रुपये आए हैं और ना ही पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ कि नहीं मिला, ट्रेनिंग हो गई है। अच्छा, ट्रेनिंग हो गई है तो वेट कीजिए थोड़ा सा, अब ट्रेनिंग होते ही तुरंत आपको आपका वर्क थोड़ी शुरू हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। और फतेहपुर से इन्होंने बोला हुआ है कि मैम, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है और फ़ोन नहीं दूसरे फ़ोन पर डाउनलोड करने पर OTP मांग रहा है, तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैसे करें प्लीज़ बताएं। तो मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। अच्छा, तो जो मोबाइल नंबर पहले था उसी नंबर पे तो आपके पास कॉल या मैसेज आएगी, अब कैसे आएगा? तो अगर अलग से जो दूसरा आप यहाँ पर ऐप लोड कर रही हैं उसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपने आवेदन नहीं किया था, जिस मोबाइल नंबर से आपने आवेदन किया था उसी मोबाइल नंबर से सारा वर्क आपको होना है। तो जो नंबर आप चेंज करनी है उसको फिर से चालू करवा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं सिम वगैरह खो गया है तो उसी नंबर से दूसरा सिम आप ले सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, उसी नंबर से दूसरा सिम ले लें और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है, यही इसका एक सॉल्यूशन है। और वेरी नाइस, इन्होंने बोला हुआ है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, वेरी नाइस, थैंक यू। कब तक पैसा मिलेगा? अब इसकी कोई डेट थोड़ी रखी गई है कि कब तक मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा, थोड़ा वेट कीजिए इसके लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आज हम आपको आंगनबाड़ी के बारे में विशेष कर जानकारियाँ देने वाले हैं, क्या जानकारियाँ हैं, कैसे हैं, सारी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2021 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी, 12वीं पास, जल्द करें अप्लाई, ठीक है। अंतिम तिथि देख लीजिए ध्यान से आप लोग, अंतिम तिथि क्या है, ये कोई हम फर्जी वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं इस वजह से हम बोल रहे हैं, 17 मई 2021 दिख रहा है ना, तो बस। और देख लीजिए यहाँ पर आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2021 एक्सप्लेनर वीडियो और बाल विकास .gov.in पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र रिक्रूटमेंट 2021 विभिन्न पदों पर निकली भर्तियां 12वीं और 12वीं पास करें अप्लाई, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभिन्न विभाग ने विभिन्न जिलों के लिए आंगनबाड़ी सेविका, मिनी आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। और ये वेबसाइट है BKSEPV की वेबसाइट, बाल विकास पर जाकर इन पदों पर आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अंतिम तिथि भी यहाँ दी गई है 17 मई, ठीक है, 17 मई अंतिम तिथि है। बाकी ये जो अपडेट आपको दिख रही है ना, वह अभी 7 मई की है, ठीक है, 7 मई की अपडेट है। ये देखिए, उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा और आंगनबाड़ी सेविका, मिनी आंगनबाड़ी सेविका उम्मीदवारों को 12वीं पास होनी चाहिए, आंगनबाड़ी सहायिका और उम्मीदवारों को कक्षा पास 5 पास होनी चाहिए। सारी डिटेल्स मतलब कि जितनी भी हैं उसकी वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद
आगे अपना कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जिनको जानकारियाँ अभी तक नहीं मिल पा रही हैं उनको भी जानकारियाँ मिल सकें। और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।